रहे हो, समझते हो क्या होते हैं? तुम्हारी अनछुई उड़ें, और वो भी एक नहीं दो नहीं, 72 हुरे। दी कश्मीर फाइल्स और दी केरला स्टोरी के बाद अब इसी तरह की एक और फिल्म 72 हुरे 7 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो गई है। 72 हुरे को भी प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है और कई जगह इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये फिल्म उन युवाओं के ऊपर आधारित है जिन्हें जन्नत में 72 हुरों का लालच देकर उन्हें ह्यूमन बॉम्ब बनाया जाता है और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब थिएटर्स में इस फिल्म को लोग देखने जाएंगे या नहीं, वो बात की बात है। पहले हम आपको इस वीडियो में इस फिल्म से जुड़ी वो बातें बता दें जिसे जानने के बाद आप शायद जरूर हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर एक, इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से पहले इसका टीजर रिलीज किया गया था, लेकिन फिल्म के टीजर में बहुत बड़ी गलती हुई। दरअसल फिल्म के टीजर में 9/11 अटैक को 2011 का बताया गया, जबकि 9/11 का अटैक 2011 नहीं बल्कि इसके 10 साल पहले 2001 में हुआ था। ऐसे ही 26/11 का हमला भी 2008 में हुआ था और इस फिल्म के टीजर में इसे 2011 दिखाया गया। यकीन नहीं होता कि फिल्म के टीजर लॉन्च से पहले मेकर से इतनी बड़ी गलती आखिर हुई कैसे। नंबर दो, इस फिल्म में एक पाकिस्तानी एक्टर भी शामिल है जो एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर का रोल प्ले कर रही हैं, जिनका नाम है राशिद नाज। आपको बता दें कि राशिद नाज पहले भी एक बॉलीवुड मूवी में काम कर चुके हैं और इत्तेफाक से उसमें भी उन्होंने टेररिस्ट का रोल प्ले किया था और वो फिल्म थी अक्षय कुमार की बेबी, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। नंबर तीन, इस फिल्म के टीजर को पहले हिंदी में रिलीज किया गया था जिसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म के टीजर के रिस्पांस को देखते हुए उसके टीजर को 10 और भाषा में रिलीज किया गया। अब तक किसी भी हिंदी फिल्म के टीजर को इतनी भाषा में रिलीज नहीं किया गया है। नंबर चार, 72 हुरे फिल्म में काम करने वाले पाकिस्तानी एक्टर राशिद नाज के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन ये बात जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी क्योंकि वो इस फिल्म को कभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2022 को ही उनका निधन हो गया। नंबर पांच, 72 हुरे और टेररिस्ट पर बेस्ड ये मूवी सोचने में काफी ज्यादा खून खराबे वाली लगती है, लेकिन अब ये जानकर आपको और भी ज्यादा धक्का लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि इस फिल्म का जॉनर डार्क कॉमेडी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 72 हुरे जो अपने टीजर से विवादों में आई थी और जिसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है, असल में उसका जॉनर डार्क कॉमेडी है। अभी तो वक्त बताएगा कि इस फिल्म की कॉमेडी लोगों को सही में कॉमेडी लगती है या फिर इससे बवाल मचता है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल योर क्रिएटर्स को भी सब्सक्राइब करें।